हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेसिबल टेक इन्फो। और आज के इस वीडियो में हम DTS की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। वेल, पिछले बार हम लोगों ने स्क्रीन रीडर्स के हिस्ट्री के बारे में जाना था और हम सब ये जानते हैं कि TTS स्क्रीन रीडर का एक हैंड ऑन हैंड पार्टनर होता है जो कि स्क्रीन रीडर्स को आउटपुट देने में मदद करता है, वरना हमें सिर्फ ये सुनाई देता। तो आप सब जानते हैं कि TTS का फुल फॉर्म टेक्स्ट टू स्पीच है, लेकिन ये TTS असल में है क्या? तो हम सबसे पहले फोकस करेंगे स्पीच में, क्योंकि टेक्स्ट हम सभी जानते हैं क्या होता है, स्पीच भी हमें पता है क्या होता है, लेकिन जब ये वर्ड्स एक साथ आते हैं टेक्स्ट टू स्पीच, तब एक अलग कंसेप्ट निकल के आता है। तो स्पीच इज बेसिकली साउंड दैट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन वर्ड्स, यानी कि वह ध्वनि जिसमें इंसानी शब्द होते हैं। अब एक नया कंसेप्ट निकल के आता है जिसे कहते हैं स्पीच सिंथेसिस। स्पीच सिंथेसिस यानी कि using different frequencies to make different sounds. Well, ये थोड़ा सा साइंटिफिक है। जैसे कि मान लीजिए एक वर्ड है, एक शब्द मान लीजिए, जैसे कि मैं। ये जो शब्द मैं है, इस शब्द में आपको कितने ध्वनि सुनाई दे रहे हैं? अगर मैं कहूँ कि आपको बस इसमें एक या दो, कम से कम आपको दो सुनाई दे रहा है। एक है ए और एक म, जिसे यू नो कि कंसोनेंट और वोवल काइंड ऑफ थिंग भी कहा जाता है। तो ये दो फ्रीक्वेंसीज यानी कि ये दो अलग प्रकार के आवाज़ें एक साथ कंबाइन होके एक वर्ड मिलाते हैं जिसे हम मैं कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कंबाइनिंग डिफरेंट ऑडियो सिग्नल्स टू क्रिएट डिफरेंट साउंड्स। तो जब ये सिंथेसिस वाला प्रोसेस स्पीच में अप्लाई होता है तो उसे हम स्पीच सिंथेसिस कहते हैं। So, it is the production of artificial human voice. और इस प्रोसेस में जो डिवाइस यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं सिंथेसाइजर। तो जो आवाज़ हम अपने स्क्रीन रीडर के आउटपुट में सुनते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक है सिंथेसाइज्ड, जो मैंने आपको पहले बताया था कि क्या होता है, और दूसरा है कॉन्कैटेनेटेड। वेल, एट द एंड इन सबको सिंथेसाइज ही किया जाता है, लेकिन जो प्रोसेस में इन सबको रिकॉर्ड किया जाता है वो अलग होता है। तो सिंथेसाइज में आता है आपका डेक्टॉक और ETI एलिक्वेंस, जिसे आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। और जो कॉन्कैटेनेट है उसका एग्जांपल है जैसे कि वोकलाइजर, गूगल TTS। इसमें क्या होता है, एक ह्यूमन पर्सन को, एक इंसान को लाकर उससे अलग अलग फ्रेजेस, वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशंस उससे रिकॉर्ड करवाया जाता है और उसको एक बड़े से डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। अलग अलग साउंड्स उसमें स्टोर किया जाता है और उससे वर्ड्स फ्रेम किया जाता है। तो ये तो था एक स्क्रीन रीडर के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए अब हम कुछ ज़माना पीछे चलते हैं। ये वो था जब कंप्यूटर्स एग्जिस्ट नहीं किया करता था, तब लोग मैकेनिकल डिवाइसेस यूज़ करते थे। तब कई सारे लोगों ने ह्यूमन वोकल कोड को रेप्लिकेट करने का डिवाइसेस बनाया था। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया था, जैसे कि ब्रेजन हेड के ज़माने में, और उसके बाद जो आपका ये पोप सिल्वेस्टर था, उन्होंने भी ट्राई किया था। फिर सन 1779 में एक जर्मन डेनिश साइंटिस्ट जिसका नाम था क्रिश्चियन गॉटलिब कैसेनस्टीन, उन्होंने एक डिवाइस इंट्रोड्यूस किया जिससे जो इंग्लिश 5 वोवल्स है AEIOU, उस साउंड्स को क्रिएट कर सकता था। फिर आया बेलॉस ऑपरेटेड एकुस्टिक मैकेनिकल स्पीच मशीन, जो कि वुल्फगैंग वन कैम्पलन ने बनाया था, जो हंगरी से थे। उसने एक मशीन बनाया था जो कि एक मॉडल था एक ह्यूमन लिप्स और टंग का, जो वोवेल्स के साथ साथ कुछ कुछ कंसोनेंट्स को भी क्रिएट कर सकता था। फिर साल 1837 में एक बंदा था, जिसका नाम था चार्ल्स व्हीटस्टोन, उन्होंने वन कैम्पलन, वही हंगरी वाला बंदा, उसका डिवाइस से इंस्पायर होके एक और अपना मॉडिफाइड वर्जन निकाला था। फिर 1840 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम था जोसेफ फेबर, उन्होंने एक डिवाइस निकाला, स्पीच डिवाइस, जिसका नाम था यूफोनिया। उसके बाद जोसेफ के ही डिवाइसेस को डिवाइस को मॉडिफाई कर करके उसके बहुत सारे वर्जन्स निकाला गया। फिर एक ड्रेस्टिक चेंज आया इन द ईयर 1930, जब बेल लैब्स ने वोकोडर को इंट्रोड्यूस किया। ये बेसिकली एक मैकेनिकल डिवाइस था जो कि ह्यूमन वॉइस को कैप्चर करके उसके नोट्स को, उसके साउंड को रेजोनेट कर पाता था और उसे जो फंडामेंटल नोट्स है उसके साथ असाइन कर पाता था।
आप कह सकते हैं ये बेसिकली पुराने ज़माने का ऑटो ट्यूनर हुआ करता था। फिर होमर डेडली जो इस वोकोडर से इंस्पायर होकर एक नया डिवाइस निकाला, उसे वोटर कहते हैं। ये बेसिकली वोकोडर जैसा ही था, लेकिन ये एक इसमें एक चेंज था कि ये म्यूज़िकल कीबोर्ड से ऑपरेट होता था, और आप बेसिकली ये सैम्पलर कह सकते हैं जो कि आज के DAWs में अवेलेबल होता है। तो ये जो ह्यूमन वॉइसेस है उसको कीबोर्ड के नोट्स में आप उसे असाइन करके प्ले कर सकते थे। तो स्पीच डिवाइसेस दिन ब दिन डेवलप होते गए, तो अब बारी था उसे कंप्यूटर में इंपोर्ट करने की। तो एक जापानीज आदमी जिसका नाम था नरिको युमिडा, उन्होंने सबसे पहले एक कंप्यूटर बेस्ड टेक्स्ट स्पीच सिंथेसाइजर निकाला। ये हुआ था इन द ईयर 1968 और इलेक्ट्रो टेक्निकल लेबोरेटरी में इसे क्रिएट किया गया था। उसके बाद जो बेल लैब्स का वोकोडर था और होमर का जो वोटर वर्जन था, इसका अपग्रेडेड वर्जन, उससे एक गाना का कवर बनाया गया। अरे वो लोगों का धंधा वहीं से शुरू हो गया इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद एक कॉमन कोडिंग स्ट्रक्चर बनाया गया जिसे LPC कहा गया, लीनियर प्रेडिक्टिव कोडिंग। ये एक कोडिंग स्ट्रक्चर था जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेक्स्ट स्पीच यू नो सिंथेसाइजर्स क्रिएट किया जा सकता था। उसके बाद स्पीचेस डिफरेंट डिवाइसेस में इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि टॉयस, उसके बाद कैलकुलेटर्स जो वॉइस ओवर फीडबैक्स देने लगे, छोटे छोटे डिवाइसेस में कुछ शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस देने के लिए वगैरह वगैरह। उसके बाद LPC को LSP से रिप्लेस कर दिया गया, जिसे लाइन स्पेक्ट्रल पेयर भी कहा जाता है। तो जो ये TTS सिंथेसिस होता है, इसमें बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक है आपका नेचुरलनेस और दूसरा है आपका इंटेलिजिबिलिटी। जो नेचुरलनेस का जो फंक्शन है, ये वर्ड्स को प्रॉपरली प्रोनाउंसिएशन करने में मदद करता है, और जो इंटेलिजिबिलिटी है, ये वर्ड्स को सही तरीके से सही वक्त में प्रेजेंट करने के लिए या फिर अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी के लिए इसको रखा गया है। आप मान सकते हैं जैसे कि एक ही वर्ड है, फॉर एग्जांपल READ, रीड। कुछ कुछ जगह में READ रीड को रेड भी कहा जाता है। तो इसी तरह इसमें जो इंटेलिजिबिलिटी का फंक्शन है, ये इस जगह में काम आता है। फिर आपको पता है कि एक सिस्टम में हमेशा दो पार्ट्स होते हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। तो बैक एंड बेसिकली सारा वॉइस डेटा स्टोर करता है और फ्रंट एंड में सारा काम होता है। फ्रंट एंड में बेसिकली जो टेक्स्ट है, जिसको टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज किया जाता है और उसको लेके रिकॉग्नाइज सिंबल्स को डिजायर्ड वर्ड्स में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर वो सिंबल वन है तो उसको ONE उस लेटर में कन्वर्ट करके उसका प्रोनाउंसिएशन जिस तरीके से निकलेगा, उसी सिंबल को उसी तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। तो चलिए अब कुछ TTS इंजिन के बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे ESpeak इंजिन के बारे में। तो इसे बनाया गया था जोनाथन डडिंगटन के द्वारा इन द ईयर 1995। ये एक ओपन सोर्स TTS इंजिन है जिसे C प्रोग्रामिंग से डेवलप किया गया था। ये GPL के अंदर लॉन्च हुआ था, जिसे जनरल पब्लिक लाइसेंस भी कहते हैं। इसके अंदर आपको ढेर सारे लैंग्वेजेस मिल जाएंगे, ये इसका बिगेस्ट हाईलाइट है, क्योंकि ये सबसे वन ऑफ द फर्स्ट TTS इंजिन था जिसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस सपोर्ट करता हो। और नो डाउट इसका आवाज़ थोड़ा रोबोटिक साउंड करता है, लेकिन इसका मेन हाईलाइट यही है कि ये सारे लैंग्वेजेस को फ्लुएंटली प्रोनाउंस करता है, और आजकल इसे वॉलेंटियरली मैनेज किया जाता है। TTS इंजिन आपको बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में मिल जाएगा, जैसे कि एंड्रॉयड में मिल रहा है, लिनक्स, विंडोज़ और MacOS में भी ये अवेलेबल है। तो अब हम एक ऐसे TTS के बारे में बात करेंगे जो कि पहले दिन में बहुत फेमस था। इसका नाम है डेस्कटॉक। इसे इनिशियली लॉन्च किया गया था 1983 को। इसे डेनिस क्लैट ने अंडर डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के अंदर जो MIT में थे, वहाँ से इसे लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली एक TTS सिंथेसाइजर डिवाइस था। एक्चुअली ये एक फिजिकल डिवाइस था जो कि मदद करता था वर्बल डिसेबल लोगों को एक कोई पब्लिक स्पीच या फिर TTS आउटपुट निकालने के लिए बहुत मदद करता था ये डिवाइस। और फिर इस डिवाइस को अलग अलग जगह में यूज़ किया गया, जैसे कि अनाउंसमेंट्स देने के लिए या फिर कोई बस स्टॉप्स, सिर्फ छोटे छोटे बिजनेसेस में भी इसे यूज़ किया गया। फिर अर्ली 2000s में इसका जो IP था, इसे फोर्स कंप्यूटर्स इनकॉर्पोरेटेड को बेच दिया गया। उसके बाद फोर्स कंप्यूटर्स से इसे फोनिक स्पीच ने खरीद लिया। उसके बाद ये एक फिजिकल TTS सिंथेसाइजर से एक
टेक्स्ट स्पीच जो इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर बेस्ड टेक्स्ट स्पीच में इसे कन्वर्ट कर दिया गया। ये थे कुछ TTS के एग्जांपल्स, और पूरा लिस्ट निकालेगा तो दिन निकल जाएगा हम लोग का। वेल, आजकल बहुत सारे TTS इंजन्स अवेलेबल है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम कैनकैटेनेटेड होते हैं, जस्ट लाइक वोकलाइजर TTS, गूगल TTS इंजन। सो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन में क्लिक कीजिए और ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि आप हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।